नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज पहला दिन भारत एट नाइन का, और पहले दिन हमने सोचा कि खुशखबरी से स्टार्ट करते हैं। उत्तरकाशी का मामला, जहां पूरा देश, पूरी दुनिया उत्तरकाशी पर नज़र गड़ाए हुए बैठी थी, और उन 41 मजदूरों की जिंदगी से जुड़ी हर खबर पर नज़र बनाई हुई थी, जहाँ पर कई लोगों ने आलोचना भी करी, कई लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश भी करी कि क्या जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो पाएगी या नहीं। पर मैं बोलूं कि इसमें एनडीआरएफ और तमाम दल जितने भी वहां पर थे, उन लोगों ने भरपूर कोशिश करी और बिल्कुल बोलते शांति से, सूझबूझ से उन्होंने 41 मजदूरों को बाहर निकाला। ये तो हुई अच्छी खबर। अब आपको बता दें, इस पे राजनीति भी बहुत हुई। इसमें बड़े बड़े पत्रकारों ने सरकार को घेरने की, टेक्नोलॉजी पे बात करने की और पत्रकारिता सही से ना होने पे सवाल उठाए, जहां पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को टनल के पास नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि उन लोगों तक असली बात ना पहुंच पाए, इस तरह के आरोप लगाए। और कई जगह तो टेक्नोलॉजी, मतलब पत्रकार टेक्नोलॉजिस्ट भी बन गए, जहां उन्होंने कहा कि हमारा देश अभी विकसित नहीं है और इस तरह के प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी यूज़ करने लायक नहीं है और इस तरह की टनल्स बनाने लायक योग्य देश भी नहीं है। इस तरह के कई मामले कई पत्रकारों ने उठाए। पर कल जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कहा गया और बताया गया कि हम एक विकसित देश हैं, उस विकसित देश में हमने ये दिखाया कि हमारे एक भी कर्मचारी को, आप टनल कर्मचारी की बात करेंगे, एक भी टनल कर्मचारी को एक भी खरोच नहीं आई, सभी स्वस्थ बाहर आए और मानसिक रूप से भी सभी स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन पत्रकारों की जिन्होंने देश को घेरने की कोशिश करी और अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश करी। एजेंडा दो तरफा, एक नेगेटिव बोलो और व्यूज़ के थ्रू पैसे कमाओ, दूसरा कि नेगेटिव बोलो और विपक्ष को मजबूत करो। तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। आज उसी पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आगे की पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो 17 दिन जिसमें एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल था, ये कोई उन मजदूरों से पूछे जो इतने दिन तक एक अंधेरी गुफा में फंसे रहे, जिनके बाहर आने का इंतजार देश का हर नागरिक कर रहा था। आखिरकार वो घड़ी आई और हमारे देश के 41 योद्धा पहाड़ का सीना चीर कर बाहर आए। दरअसल देश अब रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा था, तब 12 नवंबर की सुबह उन 41 मजदूरों की जिंदगी में अंधेरा हो चुका था जो उत्तरकाशी की सुरंग में काम करने जा रहे थे। 17 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और खुशी का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है। वहीं 17 दिनों की हम बात करें तो रेस्क्यू टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार की कई एजेंसियां लगी, विदेश से एक्सपर्ट बुलाए गए, तब कहीं जाकर सफलता मिल पाई। कई बार मशीनें भी खराब हुई, कई तरह के प्लान बने। तो आपको आज 17 दिनों का पूरा लेखा जोखा बताते हैं, क्योंकि हमेशा से ही सवाल किए गए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। 12 नवंबर उत्तरकाशी में दिवाली के दिन सुबह लगभग 5:30 बजे भूस्खलन के बाद ब्रह्मखाल यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलकेयारा डंडल गांव निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 41 मजदूर फंस गए। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। 13 नवंबर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का दौरा किया, फंसे हुए श्रमिकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाया गया। 14 नवंबर 800 और 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइपों को सुरंग के अंदर पहुंचाने के लिए खुदाई शुरू की गई। बर्मा मशीन से काम शुरू हुआ। 41 मजदूरों तक सफलतापूर्वक भोजन, पानी, ऑक्सीजन और दवा पहुंचाने का क्रम जारी रहा। 15 नवंबर ड्रिलिंग मशीन से अभियान में कामयाबी नहीं, पर NHIDCL ने
अत्याधुनिक ऑगर मशीन मांगी, जिसे दिल्ली से हवाई मार्ग से लाया गया। 16 नवंबर नई ऑगर ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और स्थापित किया गया। इसने आधी रात के बाद काम करना शुरू किया। 17 नवंबर ऑगर मशीन दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे में लगभग 24 मीटर ड्रिल करती है और 4 MS पाइप डाले जाते हैं। 5वां पाइप डाले जाते समय समस्या आई, ऑपरेशन रोका गया। 18 नवंबर पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने एक दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के विकल्पों पर भी विचार हुआ। 19 नवंबर ड्रिलिंग नहीं हो सकी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव अभियान की समीक्षा की और कहा कि बर्मा मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प है। 20 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलकियारा सुरंग में बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए धामी से फोन पर बात की और सभी का मनोबल बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। 21 नवंबर बचाव कर्मियों ने सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। वो पीले और सफेद हेलमेट पहने हुए पाइपलाइन के माध्यम से भेजे गए खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हुए एक दूसरे से बात करते हुए उन्हें देखा गया। 22 नवंबर 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों की समांतर ड्रिलिंग लगभग 45 मीटर तक पहुंच गई। लगभग 57 मीटर के मलबे के हिस्से में केवल 12 मीटर शेष रह गया। 23 नवंबर लोहे के छड़ों की वजह से रुकावट आती है। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई थी उसमें दरारें दिखाई देने के बाद काम रोकना पड़ा। 24 नवंबर अधिकारियों ने बताया कि 12 दिन से फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए ड्रिलिंग शुक्रवार को फिर से रोक दी गई। 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिस ने शनिवार को कहा कि सिलकियारा सुरंग में मलबे के माध्यम से ड्रिलिंग में लगी बर्मा मशीन खराब हो गई है। 26 नवंबर बचाव कर्मियों ने रविवार को सिलकियारा बारकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी में ड्रिलिंग शुरू कर दी। सुरंग तक पहुंचने के लिए उन्हें 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी। 27 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन में उस समय तेजी आई जब खराब हो चुकी ऑगर मशीन को बाहर निकालकर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। 28 नवंबर सुबह के समय 52 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी थी। 58 या 60 मीटर तक की खुदाई करनी बाकी थी। काम में तेजी आती है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि चंद घंटों में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और रात करीब 8:30 बजे का वो समय था जब 41 मजदूर देश के सामने, उनकी पहली तस्वीर सामने आई थी और सारे 41 मजदूर वहां पर सुरक्षित मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी खड़े हुए थे और ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल हुआ। सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा। जिस तरह से पत्रकारों ने सरकार को घेरने की कोशिश करी, और मैं बोलूँगा सभी पत्रकारों ने नहीं, पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई, पर कुछ पत्रकार जो एक प्रोपेगेंडा और एक विपक्ष के लिए काम करने का तरीका उनका है कि किस तरह से भी हम सरकार को घेरें, तो उन्होंने उस तरह से निशाना बनाया कि हमारी टेक्नोलॉजी सही नहीं है। जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा, उसी तरह से हमारे भारत देश की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं प्रेशर में भी आए। मैं फिर आपको करेक्ट कर दूं, सरकार भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आई, कहा कि सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इवन फॉरेन से भी बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और जब सरकार ने देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ना शुरू करा, उन्हीं पत्रकारों ने कहा कि आज सरकार देवी देवताओं का सहारा ले रही है। पर फिर भी सरकार अपना काम करती रही, लोग अपनी जो भी कामनाएं थी भगवान से वो करते रहे, और कई तरह के चित्र भी सामने आए जहां पर भोलेनाथ के दर्शन भी हुए। ऑपरेशन मंगलवार भी हुआ और मंगलवार को सबको बाहर भी निकाला गया, पर हम तब तक इस पर बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि हम भी कामना कर रहे थे कि 41 मजदूर बाहर आए और उस पर हम बाद में बात करें और इन पत्रकारों के ऊपर हम एक रिपोर्ट बाद में बनाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपने देखा होगा कि कई ऐसे सवाल और ऐसे तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया कि जैसे कि कोई भी देश के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है और किसी भी तरह का हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं कहूँ कि हमारा देश आज का नहीं, हमारा देश की अगर इतिहास देखा जाए 5000 साल पुराना इतिहास है, जहाँ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने जब पुराने इमारतें निकालते हैं तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी जब यूज़ होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह की चित्रकारी, किस तरह का आर्किटेक्चर
यूज़ किया जाता है, तो मतलब हमारा देश 5000 साल पुराना है और 5000 साल पहले हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे जो आज देश दुनिया और कहीं पे भी वो नहीं यूज़ होती जो हम 5000 साल पहले से करते आए। पर इस पर सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जहां पर रेड टेक्नोलॉजी के टेक्नीशियंस ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर ले आएंगे, ये हमारा वादा है। तो मैं कहूं कि उन लोगों ने अपना वादा निभाया और उन लोगों को वाकई में ही 24 घंटे के अंदर अंदर बाहर ले आए। अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले दिन करते तो यही पत्रकार सरकार को घेरते, तो आज जिस तरह से देश दुनिया चांद पर सूरज पर पहुंच गई है, पर हमारा देश के टेक्नोलॉजिस्ट आज भी चूहे के बिल के सहारे उनको निकालने की कोशिश कर रही है, मतलब आज भी हम लोग विकसित नहीं हैं, ऐसा ये चलाते। फिर मैं कहूँ एक बारी फिर से कि जब ये सारे ऑपरेशंस हुए, पूरा देश दुनिया का मीडिया सबको बधाई दे रहा था, ये पत्रकार कुछ और ही कर रहे थे। अभी तक इनका कोई वीडियो इनका बधाई को लेकर नहीं आया, उन परिवारों से नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से इनको व्यूज़ नहीं मिलने वाले थे, वहाँ से इनको कोई कमाई नहीं होने वाली थी, ना ही इनको सरकार से कोई शाबाशी मिलने वाली थी कि तुमने ठीक किया गलत किया। तो इसलिए ये लोग अब शांत बैठे हैं क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब एक और चीज़ बताऊं कि प्रशासन पर भी बहुत उंगलियां उठी, पर प्रशासन ने जिस तरह से संयम से काम लिया और उन्होंने परिवार वालों को मिनट मिनट की जानकारी परिवार को पहुँचाई कि किस तरह की उनकी मानसिक स्थिति है मजदूरों की वहाँ पर, किस तरह के वो उनका व्यवहार है, किस तरह से वो लोग हैं, उसकी मिनट मिनट की जानकारी दी। पर इन पत्रकारों ने देश दुनिया में ये बताया कि प्रशासन किसी भी मजदूर के परिवार को कोई सूचना नहीं दे रहा है। तो आपको मैं विश्लेषण के अंदर ये बताया कि ये भी एक गलत था। तो आगे बात करते हैं, इन पत्रकारों ने सरकार को और बाकी टीवी चैनल्स को यहाँ घेरने की कोशिश करी कि ये सभी टीवी चैनल्स दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री की फोटो छाप रहे हैं या प्रधानमंत्री के साथ पत्रकारों की फोटो छाप रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पत्रकारों से, मैं एक व्यंग के रूप में बता दूं, ऐसे पत्रकारों से प्रधानमंत्री को सूची अपनी बनवा लेनी चाहिए कि बता दें भाई हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, ताकि कल के दिन आप ये ना बोलें कि हमने आपसे नहीं पूछा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की, किसी भी तरह से कोई भी शब्द हो कुछ भी हो, घेरने की कोशिश ये लोग करते रहे हैं। ऑल वेदर के ऊपर इन्होंने बात की, ऑल वेदर रोड इन्होंने कहा कि किसी तरह से भी सक्षम नहीं है, पर फिर भी ऑल वेदर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, साल भर का काम और बाकी है। फिर एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि प्रिंस नाम का एक बच्चा 6 साल का, जो कि 2006 में एक बोरवेल में गिर जाता है। रवीश कुमार जी बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रिंस को कवरेज मिली थी उतनी कवरेज यहाँ नहीं मिली। तो मैं रवीश कुमार जी से पूछता हूँ, क्या कवरेज मिलने से उन 41 मजदूरों की जान बच सकती थी, या प्रिंस को कवरेज ज़्यादा मिली तो जान बची? जो जिसका काम है वो उसको करने देना चाहिए। पत्रकार का काम है कि उनकी सुरक्षा की सूचना देना चाहिए, सूचना के लिए पत्रकार बने हैं ताकि उनके परिवारजनों को वो सूचना सही पहुँचे, बजाय कि एक प्रोपेगेंडा करने के। उन्होंने 2006 का भारत अलग दिखाया और 2023 का भारत को अलग दिखाया। तो ये दो भारत उनके समझ में आते होंगे, हमारे समझ में नहीं आते, जहां हम देखते हैं कि 2023 का भारत एक अलग भारत है और एक विकसित भारत है और ताकतवर भारत है, हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो जैसे कि इन्होंने और भी कई आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है ऐसे मामलों पर, तो आज बीजेपी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे जितने भी फेक न्यूज़ इन्होंने चलाई उसका खंडन किया। अर्थव्यवस्था पर भी बात हुई, इन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह छोड़े। इन्होंने कहा कि आप अपने दाएं बाएं देखें और देखें कि कितने स्कूल, कितने सड़क, कितने अस्पताल हमारे आसपास हैं। तो इन्होंने कहा कि किस तरह अर्थव्यवस्था किस तरह से हमारी चरमरा चुकी है। तो इनको बता दूँ कि अर्थव्यवस्था जिन सड़कों से घर से निकलते हैं आज जहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ पहले 10 घंटे लगते थे आज वहाँ 4 घंटे लगते हैं।
इसी तरह से कई व्यवस्थाओं पे, जहां हॉस्पिटल्स को लेके बात करें, मेडिकल कॉलेजेस को लेके बात करें, तो 2014 से लेकर 2023 के आंकड़े आपके सामने कुछ और होंगे, जहां काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए, अस्पताल खोले गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आज आपको भारत देश में दिख रहा है, जिस तरह के आपको हाईवेज देश में दिख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इसी तरह से पहाड़ों पर भी आज घर घर तक सड़क है, घर घर तक नल है, घर घर तक बिजली है। तो अर्थव्यवस्था की बात वो ना करें जिन्होंने कभी अर्थव्यवस्था को उस नज़र से देखा ही नहीं। अर्थव्यवस्था से उनका अर्थ से मतलब हो सकता है, पर व्यवस्था से नहीं। अर्थ उनकी जेब में खूब आ रहा है और व्यवस्था को वो देखना नहीं चाह रहे, तो वो दोनों को जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो इनके अर्थ और व्यवस्था पे आप लोग विचार करें और एक बारी फिर से इनके वीडियो को देखें और इस समीक्षा को पूरा देखें, जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश को भटकाने, बरगलाने और दिशा में, किसी और ही दिशा में ले जाने की ये लोग बात करते हैं। तो इनकी बातों में ना आए, पहले आप अच्छे से इसका विश्लेषण करें, हमारा भी विश्लेषण देखें और अपने सुझाव हमको दें, ताकि हम भारत एट नाइन में आपको और अच्छे से विश्लेषण कर पाएं और आप लोगों तक सच्चाई हमेशा रात 9 बजे आपके सामने लेके आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।